हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और ये है एमजी की विंडसर, जो लेटेस्ट ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एमजी, और कंपनी से कहती है अ बिजनेस क्लास व्हीकल। अब ये जो ईवी है काफ़ी स्पेशल है और नए स्टैंडर्ड्स सेट करती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस है ये शुरू होती है 9.9 लाख से। ये व्हीकल की कॉस्ट है, इसमें बैटरी की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। बैटरी आप एक सब्सक्रिप्शन पर खरीद सकते हैं जिसकी कॉस्ट आएगी 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। इसमें तीन वेरिएंट्स आने वाले हैं और कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है, देखने में काफ़ी बड़ी इंपोजिंग है। रोड प्रेजेंस 100% इसका अच्छा होने वाला है। यहाँ पे एमजी का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा, इस तरह का लुक है। एलईडी का स्ट्रिप यहाँ पे मिल जाता है। जो हेडलैम्प्स हैं ये बम्पर पे हैं और इसका जो लुक है ये एक एमपीवी की तरह है या फिर एक एसयूवी। ये बेसिकली एमपीवी और एसयूवी का क्रॉसओवर है, तो इसे सीयूवी कहते हैं, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। ये इसके व्हील्स हैं जो कि 18 इंच के हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के व्हील्स हैं। और यहाँ पे आइए, आपको मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ। अब साइड का लुक अगर हम देखें तो यहाँ पे रूफ रिल्स आपको दिखाई देंगे, काफ़ी लंबी लगती है इन ब्लैक कलर। दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। और लाइटर कलर्स में ये और भी बड़ी दिखेगी। और यहाँ पे अगर डोर हैंडल्स देखें तो ये फ्लश टाइप के हैं, जिस तरह से महिंद्रा की XUV700 में आते हैं उसी तरह के ये डोर हैंडल्स हैं। और अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसकी खास बात है ये इंटीरियर्स में। आप सबसे पहले इसकी सीट को देखिए, ये किसी सोफ़ा की तरह लगते हैं, पिन कुशन टाइप का इसमें पैटर्न आता है। दे लुक कंफर्टेबल, और बैठ के बताता हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं। यस, दे सीम क्वाइट कंफर्टेबल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है आपको सीट में। और अगर मैं इसे आगे करूँ तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट मिल जाता है। टू स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, सिमिलर टू द कॉमेट, लेकिन ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे जो फिनिश है ब्रॉन्ज की, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इतना बड़ा स्क्रीन आपको मिलता है, विच इज़ अगेन अ सेगमेंट फर्स्ट। अब ये सेगमेंट में क्या ये ऐसा स्क्रीन आपने किसी में भी नहीं देखा होगा। और ये जो है फ्लिप भी होता है। और यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, बाकी आप देख सकते हैं एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, बैटरी की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, एसी का पूरा सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी आपको मिल जाते हैं एसी के लिए, सो दैट इज़ वन गुड थिंग। यहाँ पे जो ड्राइव इन्फॉर्मेशन है उसका भी एक छोटा सा स्क्रीन है, लेकिन ये बहुत क्रिस्प है, क्लियर स्क्रीन है, समथिंग विच वी सॉ इन द एमजी कॉमेट। यहाँ पे तीन कप होल्डर्स दिए हुए हैं। पीछे आप देखें तो यहाँ पे आप ओपन करें तो आर्मरेस्ट में भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है फॉर चार्जिंग, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर दिया हुआ है। एंड द लुक जो है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आप देखें कप होल्डर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड के ऊपर भी एक काफ़ी डीप डैशबोर्ड है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस लुक्स प्रीटी कूल। एंड व्हाट आई लाइक इज द डोर हैंडल्स, काफ़ी स्टाइलिश हैं। यहाँ पे जो स्पीकर्स दिए हैं रोज गोल्ड कलर में हैं दोनों चीज़ें। दिस लुक्स प्रीटी स्टाइलिश। तो जिस तरह से कंपनी क्लेम कर रही है कि ये आपको एक बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस में मिलेगा, वो आपको इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ओपन आपको मून रूफ मिल जाता है, सनरूफ नहीं है ये, बट एक ग्लास रूफ आपको मिल जाता है, तो दिस इज़ प्रीटी गुड। अब बहुत जल्द मैं इसे चलाने भी वाला हूँ, सारी डिटेल्स उसमें शेयर करूँगा। एक झलक हम पीछे की ले लेते हैं कि पीछे इसमें स्पेस कैसा है। अब यहाँ पे आप पीछे का स्पेस देख सकते हैं, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि लेग रूम आपको कितना मिलेगा इसमें। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लेग स्पेस यू गेट। नी रूम बहुत सारा है, आगे की सीट बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन इसमें जगह काफ़ी सारी है। यहाँ पे आपको एक रियर एसी वेंट मिल जाता है। नाउ यहाँ पे इस सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये रिक्लाइन कितनी होती है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिक्लाइन यू गेट। ओ माय गॉड, दिस इज़ फैंटास्टिक। और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलता है आपको, और आप एक्चुअली इसमें आराम से सो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको काफ सपोर्ट या अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं, बट इट इज़ प्रीटी गुड। अंडर थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। एंड ये सबसे अच्छा फीचर लगा मुझे कि जो सीट रिक्लाइन होती है। अब सिर्फ देखना इतना है कि इसका जो राइड कम्फर्ट है या इसका जो सस्पेंशन है वो किस तरह से, वो मैं आपको ड्राइव रिव्यू में बताऊँगा। अब बूट भी इसका काफ़ी बड़ा है, लगभग 600+ लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। ऑफकोर्स ये मैन्युअली है इसका जो ओपनिंग है, बट यू कैन सी द बूट स्पेस, इट्स फैंटास्टिक। और ईवीज में इतना बड़ा बूट स्पेस होना एक बहुत एडवांटेज की बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ईवीज में बूट स्पेस जो है ये बैटरी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पीछे का एक लुक ले लेते हैं, दिस लुक्स प्रीटी नीट। और एक कंटिन्यूस एलईडी की स्ट्रिप यहाँ मिलती है। टेल लैंप में आपको विंडसर की बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मुझे इसके हैंडल भी काफ़ी पसंद आए, द फ्लश टाइप्स। और जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइस है इसकी 9.9 लाख से है। अगर आप सिर्फ व्हीकल लेते हैं, बैटरी की प्राइस उसमें इंक्लूडेड नहीं है।
बाकी जो डिटेल्स है मैं आपको इसके ड्राइव रिव्यू में शेयर करूंगा, ये चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, रेंज आपको कितना मिल सकता है, इसका सस्पेंशन कैसा है, राइड कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, ये सारी बातें तब डिस्कस करेंगे। तो MG Windsor आपको कैसी लग रही है, इसकी प्राइस क्या आपको अच्छी लगी है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं, ये इस वीडियो में बताइए। बहुत जल्द मिलेंगे इसके ड्राइव रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।